हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए कर रहा हूँ हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम्स रेलवे, ईएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, क्योंकि मैं डेली ऐसे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। आंसर है चोल वंश के शासन में। ठीक, मंदिर निर्माण कला में जो है विमान शैली का प्रचलन जो कि चोल वंश के शासन में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। आंसर है गुप्त काल में। ठीक, दशमलव प्रणाली का जन्म जो है गुप्त काल में जो है हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग आधारित आंसर है शक समोद पर। ठीक, राष्ट्रीय पंचांग जो कि शक समोद पर जो है आधारित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक थे आंसर है आयुर्वेद के जनक। ठीक, चरक जो कि आयुर्वेद के जनक थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क ये मार्ग है। ठीक, सिल्क मार्ग की आरंभ कराया आंसर है कनिष्क ने। ठीक, सिल्क मार्ग की आरंभ जो है कनिष्क ने जो है करवाए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का अंतिम शासक था। आंसर है वासुदेव। ठीक, कुषाण वंश का अंतिम शासक जो कि वासुदेव था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है आंसर है वायु पुराण से। ठीक, गुप्त वंश की जानकारी जो है वायु पुराण से जो है मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। आंसर है बिसेंट आर्थर स्मिथ ने। ठीक, समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन बिसेंट आर्थर स्मिथ ने जो है कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित है आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक, सिक्कों पर जो है बीड़ा बजाते चित्र स्थापित है आंसर है समुद्रगुप्त के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क आंसर है वल्लभ भाई पटेल। ठीक, भारत का बिस्मार्क जो कि वल्लभ भाई पटेल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन है आंसर है नागार्जुन। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, भारत का आइंस्टीन है आंसर है नागार्जुन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मिल्टन है आंसर है अश्वघोष। ठीक, भारत का मिल्टन जो कि अश्वघोष है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन आंसर है नादिर शाह। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, ईरान का नेपोलियन आंसर है नादिर शाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था आंसर है हरिसेन। ठीक, हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फयान आया था आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फयान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जो कि 5वीं शताब्दी में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था आंसर है उज्जैन में। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपनी दूसरी राजधानी जो कि उज्जैन में जो है बनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था आंसर है 58 ईसा पूर्व। ठीक, विक्रम संवत जो कि 58 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था आंसर है क्रमशः रूपक और दिनार। ठीक, रजत को जो है रूपक कहा जाता था और स्वर्ण को जो है दिनार कहा जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक आंसर है कुमार गुप्त। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त के द्वारा जो है किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया आंसर है बख्तियार खिलजी ने। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया आंसर है बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था आंसर है धर्मपाल ने, जो कि 770 से लेकर 810 ईस्वी के बीच में जो है किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक, मौरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है बनवाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगाई कोड कहा जाता है आंसर है राजेंद्र प्रथम को। ठीक, गंगाई कोड जो है राजेंद्र प्रथम को जो है कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की राजकीय भाषा थी आंसर है संस्कृत। ठीक, गुप्त काल की राजकीय भाषा जो कि संस्कृत थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है आंसर है गुप्त काल को। ठीक, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है आंसर है गुप्त काल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक था आंसर है विष्णुगुप्त। ठीक, गुप्त वंश का अंतिम शासक जो कि विष्णुगुप्त था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था आंसर है पुष्यभूति। ठीक, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक जो कि पुष्यभूति था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक था आंसर है नरवर्धन। ठीक, पुष्यभूति वंश का संस्थापक जो कि नरवर्धन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था आंसर है कन्नौज। ठीक, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था आंसर है कन्नौज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था आंसर है हर्षवर्धन ने। ठीक, भूमि देने की सामंती प्रथा को जो है हर्षवर्धन ने जो है प्रारंभ किया था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। आंसर है हर्षवर्धन का। ठीक, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और जो कि 606 से लेकर 647 ईस्वी तक जो है भारत में जो है रहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक का आंसर है सी यू की। ठीक, ह्वेनसांग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सी यू की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, आंसर है ह्वेनसांग को। ठीक है, यात्रियों में जो है राजकुमार ह्वेनसांग को जो है कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, आंसर है ह्वेनसांग को। ठीक, ह्वेनसांग को जो है नीति का पंडित और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, आंसर है बाणभट्ट। ठीक, बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था, आंसर है नर्मदा नदी के तट पर। ठीक, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को जो है 634 ईसा पूर्व में नर्मदा नदी के तट पर जो है पराजित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था, आंसर है प्रयाग में। ठीक, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था, आंसर है प्रयाग में। और लास्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के भू राजस्व दर था, आंसर है 1/6। ठीक, हर्षवर्धन के भू राजस्व दर जो कि 1/6 था। तो दोस्तों ये थे हिस्ट्री के टॉप 40 प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।